मुर्दाघर शायद उस तरह की गतिविधि के कारण घूमने के लिए सबसे डरावनी जगहों में से एक है, क्योंकि वे शवों को शव दफनाने या अंतिम संस्कार के लिए भेजे जाने से पहले रखते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई रिकॉर्ड किए गए दृश्य हैं। आइए एक मुर्दाघर में कैद की गई 5 सबसे डरावनी चीजों पर एक नजर डालते हैं। 5 प्रतिवादित गर्मी भारत से यहाँ का दर्दनाक वीडियो कैमरा एक मुर्दाघर के बाहर रखा गया है, जहाँ आमतौर पर गुर्नी को उस क्षेत्र में रखा जाता है जहाँ हम कुछ स्ट्रेचर देखते हैं और कुछ अन्य चिकित्सा उपकरण लंबे समय से पहले हम स्क्रीन के केंद्र में कुछ झपकाते हुए देखते हैं, जो एक मानव आकृति की तरह दिखता है। फिर हम गुर्नी की एक चाल को थोड़ा आगे देखते हैं, फिर कुछ सेकंड पीछे, फिर कुछ सेकंड बाद स्ट्रेचर 10 फीट से अधिक आगे बढ़ता है और फिर उसी दूरी को पीछे की ओर ले जाता है कुछ सेकंड के लिए आगे और पीछे लुढ़कते हुए। यह पॉल के किनारे से लुढ़क जाता है, फिर वीडियो उसी क्षेत्र में दूसरे कैमरे पर चला जाता है। हम देखते हैं कि एक आदमी वाटर कूलर की ओर जाता है जहां वह एक बोतल भरता हुआ दिखता है। इस शॉट में एक और गन है और हम एक चाल को बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं कि आदमी इसकी सूचना देता है, गति करता है और उसे अपने स्थान पर स्थापित करने के लिए चलता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता वह पीछे की ओर लुढ़क जाता है और उस आदमी से दूर हो जाता है। वह स्पष्ट रूप से चौंका और जल्दी से पीछे हट जाता है, जबकि शरीर से बाहर निकलने वाली 4 आत्माएं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि इंसानों की कोई आत्मा नहीं है। हम में से अधिकांश लोग बाद के जीवन में विश्वास करते हैं। एक चीनी अस्पताल से यह वीडियो कुछ असाधारण कैप्चर करता है, क्योंकि स्ट्रेचर पर महिला की मृत्यु हो जाती है। पहले हम स्ट्रेचर पर बैठे एक पारदर्शी इकाई को देख सकते हैं और फिर यह महिला के शरीर को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे सरकता है। निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन के सबसे सम्मोहक वीडियो में से एक है। और उनके अस्तित्व पर क्या आप विश्वास करते हैं? और स्वर्ग और नरक में 3 काली इकाई कैमरे के पीछे उड़ती है। यह CCTV कैमरे और अस्पतालों को खोजने के लिए एक असामान्य दृश्य नहीं है। ग्लोब, लेकिन इस भारतीय अस्पताल में किसी ने कुछ असाधारण पकड़ने की उम्मीद नहीं की थी। कैमरा अस्पताल के हॉलवे में रखा गया है, जहां हम हॉलवे के अंत में फर्श पर सो रहे कुछ लोगों को देख सकते हैं। अस्पताल के मुर्दाघर को देखा जा सकता है, क्योंकि सब कुछ सामान्य लगता है। अचानक एक काला आकृति दिखाई दे सकते हैं कहीं से भी। यह एक आदमी का आकार लेता है और धीरे धीरे सोए हुए लोगों की ओर अपना रास्ता बनाने के लिए, लेकिन सेकंड के भीतर हम देखते हैं कि लोगों और कैमरे के पीछे उड़ती है और अंत में कैमरों के दृश्य से बाहर मुर्दाघर में मृत लोगों में से एक की आत्मा थी। यह कहा जाता है कि आत्माएं अक्सर उस स्थान पर जाती है जहां वे अंत में वीडियो में अंतिम सांस लेते हैं। यहां हम देखते हैं कि एक आदमी अपने कैमरे के नीचे होंडुरास में एक अस्पताल हॉलवे की ओर इशारा कर रहा है। वहां कुछ स्ट्रेचर हैं और दाईं ओर एक दरवाजा। अचानक हम देखते हैं हॉलवे में पूरी तरह से उभरने से पहले प्रेत अंदर और बाहर जाते हैं, और कई लोग मानते हैं कि यह एक डॉक्टर की आत्मा है जिसने अस्पताल परिसर में आत्महत्या की है। मैन रिकॉर्डिंग कुछ कदम पीछे ले जाती है जब वह आत्मा को पकड़ लेता है और अंत में एक दरवाजे के पीछे छिप जाता है। आपको क्या लगता है कि इस वीडियो में क्या पकड़ा गया था? डॉक्टर स्पिरिट या कुछ पूरी तरह से अलग? नंबर 1, दरवाजा स्लैमिंग स्पिरिट। हमें बताया गया है कि आत्माएं अच्छी या बुरी हो सकती हैं, लेकिन यह किसी को कम डरावना नहीं बनाता है। दुर्भाग्य से एक ब्राजीलियाई मुर्दाघर में सुरक्षा गार्ड एक आत्मा में आ गए जो डराने के लिए देख रहा था। वीडियो एक दालान के नीचे एक शॉट के साथ शुरू होता है। इसमें एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है, दालान और एक लाल दरवाजा जो खुलता हुआ और अपने आप बंद होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि गार्ड दरवाजे की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। स्लैमिंग अधिक तीव्र हो जाती है। हम अंत में दरवाजे से लगभग 10 से 15 फीट की दूरी पर पहुंच जाते हैं। यह तुरंत बंद हो जाता है, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए टिमटिमाती रोशनी क्षेत्र में अंधेरा हो जाता है और हम केवल गार्ड फ्लैशलाइट से प्रकाश देख सकते हैं। जब रोशनी वापस आती है तो वे दरवाजे की जांच करते हैं, जिसमें आपात स्थिति में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप होते हैं। क्योंकि वे दरवाजे की जांच कर रहे हैं, दरवाजे से उनके बाईं ओर जोर से आवाज आती है। वे उस दरवाजे की ओर मुड़ते हैं और कुछ भी नहीं पाते हैं। वह कमरा जो एक गार्ड की ओर जाता है और यह देखने के लिए जाँच करता है कि क्या कोई दरवाजा बंद है और पुष्टि करता है। तो कौन सा दरवाजा अपने आप खुल रहा था और बंद हो रहा था? देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।
क्योंकि हम हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं। इस बीच आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं।